इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली ओ माय गॉड 2 का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, एंड वो भी रिलीज के सिर्फ 8 दिन पहले। अब देखो ट्रेलर की बात तो होती रहेगी, पर पहले इस मूवी की बात करते हैं। तो एक्चुअली में मूवी के अंदर कुछ 18 प्लस टॉपिक्स को कवर किया गया है, यानी कि LGBTQ वाली चीजों को कवर किया गया है, जिसकी वजह से इस मूवी को UA का सर्टिफिकेट मिला है। एंड उस सर्टिफिकेट के लिए भी इन्हें ऑलमोस्ट 40 प्लस चेंजेस करने पड़े थे अपने मूवी के अंदर। जितने भी चेंजेस हुए हैं इस मूवी के अंदर उसके बारे में एक लिस्ट निकाली इन्होंने, जिसको तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, आराम से पॉज करके पढ़ लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सो ट्रेलर की बात करें तो पर्सनली मुझे ट्रेलर काफी सही लग रहा है, काफी प्रॉमिसिंग सा फील हुआ। एंड हाँ, इस ट्रेलर को देखने के बाद एक मूवी का बेसिक प्लॉट का आइडिया तुम्हें लग जाता है कि भाई जो अपने पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर है यानी कि कांति शरण, उनके बेटे यानी कि विवेक शायद कुछ LGBT के चक्कर में पड़ जाते हैं, एंड उसी से रिलेटेड कुछ एक वीडियो वायरल हो जाता है उनका, जिसकी वजह से भाई बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट फील होता है उनको सोसाइटी के अंदर, स्कूल के अंदर, जिसकी वजह से हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि भाई वो बंदा सुसाइड करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसी वजह से मूवी में आगे जाके अपने कांति शरण भैया स्कूल के ऊपर ही केस कर देते हैं, जिनके प्रिंसिपल का रोल अरुण गोविल जी कर रहे हैं, यानी कि वही एक्टर जिनको आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी श्रीराम के रूप में देखते हैं। तो इन्हीं सारे झमेलों में से कांति शरण को बचाने के लिए भगवान शिव अपना एक मैसेंजर भेजते हैं, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार इस मूवी के अंदर। हालांकि ये चीज तो क्लियर है कि मूवी में पहले तो अक्षय कुमार ही महादेव थे, पर सेंसर बोर्ड में कुछ ऐसे लफड़े हो गए कि भाई उन्हें भगवान शिव नहीं बल्कि उनका एक मैसेंजर के रूप में दिखाया जाएगा मूवी के अंदर। एंड इसी वजह से तुमने ट्रेलर के स्टार्टिंग में 5-6 सेकंड का ये क्लिप देखा था, इसको तुम एक तरह से डिस्क्लेमर समझ लो कि भाई तुम्हारी भावनाएं यहां पे ऑफेंड नहीं होने वाली, ये भगवान शिव नहीं बल्कि उनका एक मैसेंजर है। अब ये डिसीजन उनके फेवर में वर्क करता है या फिर बॉयकॉट वाली बकचोदी होगी इस मूवी के साथ, ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो श्योर है कि इस मूवी को लेकर हाइप अच्छी खासी बन चुकी है। पहले तो लोग गदर 2 को लेकर ज्यादा एक्साइटेड थे, एंड ओ माय गॉड 2 तो एक अलग ही डिजास्टर फील हो रही थी स्टार्टिंग से ही, लेकिन गदर 2 का ट्रेलर कुछ खास हाइप बिल्ड नहीं कर पाया, वहीं ओ माय गॉड 2 ने बहुत अच्छा काम किया अपने ट्रेलर के अंदर। एंड वैसे अगर बात करें नेगेटिव मार्केटिंग की जो हो रही है करंटली इस मूवी से रिलेटेड, तो फॉर श्योर वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बढ़ाने का काम करेगी। और ये चीज तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोल सकता हूँ कि भाई अगर इस मूवी को लेकर बॉयकॉट वाली बकचोदी या फिर बॉयकॉट ट्रेंड हुआ ना, तो ये मूवी सुपर हिट जाएगी, क्योंकि भाई ये लोग ढंग से आज तक किसी एक मूवी को बॉयकॉट नहीं कर पाए, जिसके पीछे पड़े हैं वो तगड़ा बिजनेस करके जाती है। ब्रह्मास्त्र के पीछे पड़े थे 410 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया उस मूवी ने, पठान के पीछे पड़े थे भाई 1100 करोड़ टच कर गई ऑलमोस्ट। कुल मिला के ट्रेलर मुझे पसंद आया, एंड हाँ मैं मूवी के लिए एक्साइटेड हो चुका हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि गदर 2 को देखने जाऊँ पहले, बट अब गदर 2 ने अपना चांस खो दिया और अब मैं पहले देखने जाऊंगा ओ माय गॉड 2 को। हालांकि तुम उस मूवी का रिव्यू देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अवि, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवि।